तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले अगर एप्लीकेशन में तुम देखोगे गॉस थ्योरम का, तो इसमें हम एक कंडक्टिंग सेल है, सेल समझते हो आप, अंदर से खाली है और एक ये होलो है, अंदर से खाली है, मटेरियल है, या आप सॉलिड कंडक्टर भी ले सकते हो, दोनों का फील्ड बराबर है। जैसे एक स्फीयर लेता हूँ, ये अंदर से खाली है लेकिन क्या है, मेटल का है, कंडक्टर है, ठीक है ना। या एक सेल लेता हूँ जो अंदर से होलो है, ये होलो है अंदर से खाली है, लेकिन ये स्फेरिकल सेल है, तो इन दोनों का फील्ड जो है वो सेम होगा, क्योंकि मैं जब दोनों पे चार्ज दूंगा तो ये चार्ज बाहर के आउटर सरफेस पे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये मेटल का यार, तो मेटल के जो चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे रह जाएगा, तो दोनों का जो फील्ड है वो सेम आएगा। मतलब सॉलिड स्पीयर, सॉलिड मेटल का स्पीयर और मेटल का होलो सेल, उन दोनों का फील्ड सेम आएगा। बात आ रहा समझ में? तो ये वाली चीज़। अब यहाँ से जो फील्ड है ड्यू टू कंडक्टिंग कंडक्टिंग सेल का मैं लिया हूँ, तो चलो मान लेते हैं एक सेल है जिसकी रेडियस आर है और जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पर जिसका सेंटर यहाँ ओ है, और इस सेल की रेडियस, पूरी की पूरी सेल की रेडियस आर मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है, अब इसके ऊपर मैं प्लस चार्ज दे देता हूँ, दिस इज़ द प्लस चार्ज एसोसिएटेड ऑन दिस एस्पेरिकल सेल, तो इसके ऊपर जब भी चार्ज दोगे तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे दिखाया हूँ, तो ये इसके ऊपर मैं चार्ज दे दिया, ये तो ये इसके 2D व्यू है, तो ये यहाँ से ऊपर ही चार्ज रह जाएगा, ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान रखना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी निकालना है, और पॉइंट पी तीन जगह सिचुएटेड है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉइंट पी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पॉइंट यहाँ पर हो, समझ रहे हो, बाहर हो, एक पॉइंट या अंदर हो सरफेस पे, एक पॉइंट सरफेस पे, उस पर एक पॉइंट अंदर हो, तीन पॉइंट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये तीनों पॉइंट पॉसिबिलिटी है तो तीनों पॉइंट पे मैं फील्ड निकालूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं बाहर ही निकालता हूँ, वेन द पॉइंट पी लाई आउटसाइड द सेल, मतलब यहाँ पर पॉइंट पी हो या यहाँ पर हो, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस इस मार आर ले लेता हूँ। तो अब मैं ऐसे ही इसको ढक दूंगा, एक नए एस्पियर से ढक दूंगा इस तरह से, समझ रहे हो। तो उसी तरह से ये वाली जो चीज़ थी, यहाँ मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ से तुम देखो, ये तो इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर है, पॉइंट पी यहाँ पर, और इसी पॉइंट पर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर देता हूँ, जो आउटर वाला ग्रीन देख रहे हो स्पीयर, ये वाला जो आउटर वाला, ये पूरा का पूरा जो बड़ा स्पीयर है, ये वाला बड़ा स्पीयर, वो एक गॉसियन ये वाला गॉसियन सरफेस है, जो छोटो वाला उसके अंदर आ जाएगा, तो ये वाला मैं ढक दूंगा, क्योंकि जब तक मैं चार्ज को अंदर नहीं करूंगा तब तक मैं गॉसियन गॉस का थ्योरम लगा कैसे पाऊंगा यार। तो ये चार्ज अंदर हो गया, तो इस पॉइंट पर एस्पियर के केस में जो ये टोटल चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट था क्यू, ठीक है, उस चार्ज को मैं अज्यूम कर सकता हूँ इसके सेंटर पर है, ऐसा बिहेव करता है एस्पियर कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर है, ठीक है। तो अगर उसके सेंटर पर ये चार्ज मैंने मान लिया, तो यहाँ पर जो फील्ड है, यहाँ पर मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ इस गॉसियन सरफेस पे, ये है हमारी गॉसियन सरफेस, तो ये हमारी गॉसियन सरफेस है। तो इस सरफेस पे अगर मैं कोई एरिया वेक्टर ले रहा, तो एरिया वेक्टर तो बाहर आएगा भाई, और पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइनें आएंगी वो भी बाहर आएंगी, ठीक है ना। तो थीटा दोनों के बीच कितना बना, थीटा बना 0 डिग्री। तो इसी तरह से अब मैं इस पूरे गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे इलिमेंट को जोड़ दूंगा, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स आ जाएगा, यही तो गॉस थ्योरम था, टोटल फ्लक्स निकालते थे, ऐसे जोड़ दूंगा। तो चलो इस काम को कर ही लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो बाई गॉस लॉ मैं लिखूंगा, बाई गॉस लॉ, अगर मैं गॉस लॉ का यूज करता हूँ तो ये यही कहता था कि जो टोटल फ्लक्स फाई नेट एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, जिस गॉसियन सरफेस को चूज किए हो उसका क्लोज इंटीग्रेशन करो, जोड़ दो उसको, और उसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था फील्ड, तो इसको मैं जोड़ूँ ई डी एस को, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस 0, और इस सरफेस को, अब यहाँ से चार्ज इसके अंदर क्यू आया अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
सिंस अगर सिमेट्रिकली इस स्फीयर के सभी डिस्टेंस आर पॉइंट पर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन से ये डी एस इंटीग्रेट हो जाएगा और चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जब बाहर आ गया ई डी एस, तो ई डी एस इंटीग्रेट क्या बनेगा, तो ई डी एस जो इंटीग्रेट हो गए वो बनेगा 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यहाँ से तो तुम देखोगे तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ये बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के बराबर ही आया जो कि प्रोपोर्शनल है 1/r² का कर्व, मतलब बाहर में जो अगर ग्राफ बनाओगे तो इसके प्रोपोर्शनलिटी आएगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, इसके टर्म में भी लिख सकते हो। अब मैं क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 4 पाई को ख़त्म कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो फील्ड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हो, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज यू लाइक एज यू विश, तभी भी फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट, अगर यही पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पर हो, तो अगर सरफेस पे हो तो बहुत आसान है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर आया। तो जब सरफेस पे आ जाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होने से जो है इसमें तुम देखोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, और ये बच्चों मैक्सिमम फील्ड होती है, क्योंकि इससे अधिक फील्ड पॉसिबल नहीं होती है। और अगर ये वाला फार्मूला यूज करोगे सरफेस डेंसिटी वाला, तो सरफेस डेंसिटी ई इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इतनी फील्ड होल्ड होती है उसकी चार्ज डेंसिटी और अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वाली। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा कभी फील्ड पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पॉइंट पी है स्फीयर के सरफेस पे, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए, कैपिटल आर इस स्फीयर का रेडियस था मेटालिक स्फीयर का ये वाला। चलो, तो बाहर में तो कांस्टेंट आ गया, रही कहानी अंदर में, तो अंदर में निकालने के लिए अब मैं अंदर में गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो अगर मैं अंदर में गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, तो ये अपना स्फीयर था जिसके ऊपर कुछ चार्ज दिए थे और वो चार्ज बाहर में ही था प्यारे बच्चों। तो ये चार्ज अगर बाहर में था, चलो, तो अगर तुम ये चार्ज बाहर में था तो क्यू डिस्ट्रीब्यूट था यूनिफॉर्मली। अब मैं अंदर में ये वाली पूरी की पूरी डिस्टेंस आर थी कैपिटल आर, और ये जो है, ये जो अंदर में स्फीयर दिख रहा है आपको, ये गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब अंदर हो। तो यहाँ पे जब कभी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो, तो फॉर ए कंडक्टर, जब कभी भी कोई भी अगर मेटालिक कंडक्टर है उसको चार्ज देते हो, तो अंदर में चार्ज जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इनसाइड जो है, देखोगे इनसाइड चार्ज कितनी आ जाएगी, इनसाइड चार्ज जो है वो जीरो आ जाएगी, चार्ज इनसाइड आ जाएगी जीरो। बात समझ में आ गया, तो अंदर में तो कोई चार्ज आया ही नहीं है। तो जब अंदर में कोई चार्ज ही नहीं आया, तो अगर मैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और यहाँ से चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर में तो चार्ज जीरो है, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कोई भी फील्ड लाइन अंदर में एग्जिस्ट नहीं करती है, फील्ड जीरो आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज देखो, ये सभी पॉइंट, यहाँ पर चार्ज जीरो है, 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 क्योंकि मेटालिक है,
तो चार्ज अंदर में आया ही नहीं। तो इस गॉसियन सरफेस का अगर मैं इंटीग्रेशन भी करता हूँ तो टोटल जो फ्लक्स है वो जीरो आ जाएगा अंदर में। बात समझ में आए? तो ये वाली तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाहर में सरफेस पे और अंदर में मेटालिक कंडक्टिंग स्पीयर का हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया विथ 3D डायग्राम और 2D डायग्राम। आप बेहतर तरीके से नोट्स बना लेना और आप इसका ग्राफ, तो जनरली जो बुक है उन सभी बुक में जो ग्राफ बनाता है वो एक ही प्लॉट में बना देता है इसमें, और वो जनरली ग्राफ स्केलर फॉर्म में होता है, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। लेकिन हम जो ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ है कि ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर दोनों ग्राफ आ गया तो जो वेक्टर वाला है उसको ज़्यादा सही माना जाएगा और उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये मेटालिक स्पीयर है और इसके ऊपर हमने चार्ज यहाँ पे दे रखे थे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे कुछ चार्ज दे रखे थे तो इस चार्ज की वजह से अब मैं सेंटर से ओ से जाऊँगा, इस साइड जाऊँगा, इधर सेंटर से मैं इधर जाऊँगा, इन्फिनिटी को जाऊँगा, ठीक है? तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल लेता और मेरा पोजीशन वेक्टर आर वो भी इधर ही है, वो भी पॉजिटिव है। दोबारा मैं इससे लेफ्ट साइड अगर इधर जाता हूँ इन्फिनिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है क्योंकि मैं इस साइड निगेटिव ले रहा हूँ, एक साइड एक साइन नहीं ले सकते, और आर भी मेरा निगेटिव होगा। तो पहले वाले का जो ग्राफ है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप बेहतर तरीके से यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि ग्राफ कैसा आएगा। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो फील्ड लाइनें क्या मिल रही भाई? जीरो मिल रही है। तो ये देखो फील्ड लाइनें यहाँ पे जीरो बनाया गया है, फिर अचानक से डिसकंटिन्यूअस होगा और बाहर में ऐसा कुछ घटता चला जाएगा, ए टच करेगा जाके इसको इन्फिनिटी को। तो ये सारी ग्राफ हमने बनाए बनाए हुए हैं, आप बेहतर तरीके से इसको बना सकते हो। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपान एप्साइलिन नॉट है, और ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे कभी पॉसिबल नहीं है। और ये आउटसाइड है, आउटसाइड फील्ड प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वायर का कर्व आप, और ये जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू जीरो, क्योंकि आर अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब बहुत दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ से इधर जाओगे तो ये देखो ये जीरो वाली लाइन है, जीरो जीरो रेड वाली, फिर अचानक से डिसकंटिन्यूअस होके और एंड सो ऑन। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ गया होगा इस ग्राफ में, और अगर आप स्केलर में बनाना चाहते हो जो सभी बुक में बनाया, तो इधर से आधा पोर्शन उड़ा देना, ठीक है, सिर्फ राइट साइड वाला रखना। तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।